हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. आई एम नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल. सो गाइस, आप लोग सोच रहे होगे ना कि दी क्या कर रही हैं, फिर से मशरूम क्यों बना रही हैं. और रेसिपी तो पहले भी शेयर कर चुकी हैं. तो गाइस, मेरा वो वीडियो डिलीट हो गया है मेरी छोटी सी गलती की वजह से. वो मैं अभी आप लोग को बता दूंगी, या फिर मैंने एक वीडियो में बता भी दिया है, पर फिर से भी बता दूंगी. तो गाइस, मेरा वो वीडियो डिलीट हो गया. बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो था वो, तो मैंने सोचा चलिए हम फिर से ये वाला रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर दें, क्योंकि वो वीडियो 3 4 दिन ही तो हुए थे डाले हुए और डिलीट भी हो गया. तो जो लोग रिक्वेस्ट किए थे वो हमारी मतलब रेसिपी भी नहीं बना पाए होंगे. तो मैंने सोचा चलिए फिर से कर देते हैं, रेसिपी शेयर कर देते हैं. और ये मैं अपने खुद बनाने जा रही थी, अपने लिए स्पेशल रेसिपी शेयर करने के लिए नहीं मैं ये वीडियो बना रही थी. तो वो मशरूम की मैं सब्ज़ी बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो शेयर कर देते हैं. तो गाइस, मैंने मशरूम को, आप लोग देख रहे थे, मैंने मशरूम काट के उबाल लिया था. और फिर उसके बाद प्याज, टमाटर और लहसुन और अदरक मैंने काट लिया था. और फिर टमाटर, लहसुन और अदरक मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है. और अब चलिए हम जीरा डाल देते हैं. कुकर हमारा, हम कुकर में ही बनाते हैं मशरूम की सब्ज़ी. ज़्यादातर सब्ज़ी मैं कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है उसमें बनाया हुआ सब्ज़ी. तो मिर्च डाल दिया हमने, थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए थे, गरम मसाले जैसे हरी इलायची डाल दिया था, और एक पता नहीं क्या आता है, दालचीनी क्या बोलते हैं, वो डाल दिया था हमने. और प्याज भी डाल दिया है. थोड़ा सा हम प्याज को फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए. फिर उसके बाद हम टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे उसमें. तो आप देख सकते हैं फ्राई हमारा हो गया है प्याज थोड़ी देर के लिए. और फिर इसे अच्छे तरीके से हम चला लेंगे. आप चला लीजिए अच्छे तरीके से इसे, और फिर थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए इसे, ताकि तेल ऊपर ऊपर आ जाए. प्याज भी थोड़ी देर के लिए पक जाएगा अच्छी तरीके से. तो यहाँ देखिए हमारा तेल ऊपर आने लगा है. तो अब चलिए नमक डाल देते हैं हम स्वाद अनुसार. आपको जितना नमक डालना है आप डाल सकते हैं टेस्ट के अनुसार. और फिर देखिए, फिर से हम इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, 30 30 सेकेंड के लिए आप लोग ढक दिया करिए. तो अब देखिए हमारा सारा ये पेस्ट पक गया है, प्याज टमाटर वगैरह अच्छी तरीके से पक गए हैं. अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे. तो एक धनिया 1 चम्मच लिया है, फिर मसाला मैंने 1 चम्मच लिया है, और लाल मिर्च भी थोड़ी सी लिया है, और हल्दी डाल दिया हमने. अब चला लीजिए इसे अच्छे तरीके से. फिर इसके बाद मेरा मसाला थोड़ा मतलब जल रहा था, नीचे चिपक रहा था कुकर में, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही थी. और चलिए अब हम इसमें मशरूम डाल लेंगे. और मशरूम के डालने के बाद थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे इसे. थोड़ा सा पानी डाल लिया हमने, क्योंकि ये ना चिपक रहा था कुकर में, इसलिए 1 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे, ताकि मसाले वगैरह नमक सोख ले मशरूम, और थोड़ा फ्राई भी हो जाएगा मसाला अच्छी तरीके से. तो चलिए अब आपको जितना ग्रेवी बनाना है उतना पानी डाल लीजिए, और फिर इसे ढक दीजिए. और 5 मिनट बाद इस कुकर को हमने खोल लिया है, और अब देखिए हमारा रेडी हो गया है. गाइस, हमने इसमें मटर नहीं डाला है, क्योंकि हमारा मटर था नहीं, इसलिए मैंने मटर नहीं डाला. पिछले रेसिपी मैंने मटर मशरूम की रेसिपी शेयर की थी. और इसमें मटर डालो या मत डालो, टेस्ट हाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट मटर नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला. तो कैसा लगा हमको कमेंट. सो गाइस, अभी मेरा लंच भी कर लिया है. अभी टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं दोपहर के, और हमने लंच भी कर लिया है. और मुझे आप लोगों से कुछ शेयर करनी थी यार. इसे खिड़की बंद कर लूँ, बहुत ज़्यादा उधर से ना इतना आवाज़ आ रहा है, पता नहीं क्या ठोकते पीटते रहते हैं ये लोग रोज़ रोज़. इन लोगों का काम ही रहता है रोज़ कुछ ना कुछ ठोकते ही रहते हैं. घर बनाओ, घर तोड़ो, बस यही काम होता है इन लोगों का. तो मैं ये खिड़की बंद कर देती हूँ, आवाज आ रही है बहुत. तो चलिए मैं आप लोगों को एक कहीं बैठ के आप लोगों को कुछ शेयर करना था यार. ट्राइपॉड ले लूँ, इसके लिए रिक्वेस्ट मुझे आया था, तो मैं सोच रही थी कि
शेयर करूं कि ना करूं, तो मैंने सोचा चलो आज कर ही देते हैं। तो चलिए आज मैं बाहर बैठ के करती हूँ यार। घर में ना बहुत बोर होने लगता है कभी कभी घर में। पता है क्या, यहाँ पे ना ये लोग घर बनाते हैं और 6 महीने भी नहीं बीतेंगे फिर उसको तोड़ फोड़ मचा देते हैं, मतलब तोड़ फोड़ करने लगते हैं और फिर से नया घर। मतलब ये पूरी बिल्डिंग नहीं गिराते हैं, जैसे कि आधा अधूरा घर बनाया है अब उसको 6 महीने ऐसे छोड़ देंगे और फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो जाएगा इन लोगों को, कुछ उसमें डिफॉल्ट लगेगा या फिर उसका डिज़ाइन नहीं पसंद आएगा, फिर उसके बाद उसको तोड़वा देंगे उसको। मतलब अब फिर रोज़ाना खटपट 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 लगाए रहते हैं, इतना गुस्सा आता है ना इन लोगों पे। मैं सोचती हूँ कभी कभी कितना पैसा रहता है यार इन लोगों के पास, पता नहीं कितना पैसा रहता है। तोड़ो फिर बनाओ, तोड़ो फिर बनाओ। मैं सच में जब से यहाँ पे आई हूँ तब से यही देख रही हूँ कि कितने बार, मतलब ये सारे बिल्डर हैं ना, सारे लाइन से इधर बिल्डर रहते हैं, तो इन लोग पास कितने पैसे रहते हैं यार। मतलब 6 महीने भी नहीं बीतते कुछ लगा फिर उसको तोड़वा देते हैं, फिर से नया बनाओ। मुझे तो समझ में नहीं आता, पता नहीं कितना पैसा रहता है यार। इतना पैसा रहता तो गरीबों में दान दे दिया करे यार। तो ये देखिए मैं क्या लेकर बैठी हूँ, चाकू और चम्मच। मैं इसे कुछ बताने वाली हूँ आप लोगों से यार। ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे कोई बैठा है मेरे साथ ऐसे ही, इसीलिए मतलब इतना अच्छे से बात कर पाती हूँ। तो अगर आप कैमरे पे काम करते हो ना, तो नए हो तो ना मतलब कैमरे को ना बिल्कुल फ्रेंड की तरफ बिहेव करो, ऐसा लगे ना कि आपके साथ कोई सामने बैठा है उससे बात कर रहे हो। मुझे पता है कैसा फील होता है, मुझे ऐसा फील होता है ना जैसे कि सारे लोग मेरे सामने बैठे हो, आप लोग जितने लोगों को मैं जानती हूँ ऐसा लगता है सारे लोग मेरे सामने बैठे हैं और बस आप लोगों से बस ऐसे यूँ ही बकवास कर रही हूँ, ऐसे ही बातें कर रही हूँ। तो चलिए बातें बहुत हो गई, आते हैं काम की बात पे। तो ट्राईपॉड में मोबाइल लगा लेते हैं। तो हमारी एक सब्सक्राइबर थी जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया था कि दी आप पार्लर जाते हो बताइएगा कि वैक्स सीटर वगैरह कितने का मिलता है और कहाँ से परचेस करते हो आप लोग और कितने में मिल जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे मंगाई थी एक, मतलब मैं पहले से ही मंगा के रखी थी, ये छोटा सा वैक्स हीटर है और ये बहुत मतलब बहुत अफोर्डेबल रेंज में है। 275 रुपीज़ का है, 275 रुपये का है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और इसमें देखिए इस तरीके से मिल जाता है आप लोग ना घर पे यूज़ करने के लिए ना सबसे बेस्ट पार्ट है ये, सबसे अच्छा है क्योंकि हमें अभी बाहर तो करना नहीं है किसी का, अपने घर में अपने लिए यूज़ करना है या फिर घर के लोगों के ही यूज़ करना है। तो इस छोटा सा मंगा लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें इस तरीके के ढक्कन मिल जाते हैं और ये इतना बड़ा ये मिल जाता है, बहुत आराम से इजीली इसमें वैक्स हीट हो जाएगा और इसमें ऑन ऑफ का बटन, तो आप इसे ले सकते हैं बहुत इजीली। अवेलेबल होगा हर स्टोर पे मिल जाएगा आपको, जहाँ पे पार्लर का सामान मिलता होगा ना वहाँ पे इजीली मिल जाएगा ये। तो और मैं ये आपको दिखा दूँ, ये है वैक्स और ये भी बहुत कम रेंज में मिल गया। इस पे रेंज कितना लिखा है, 111 रुपये लिखा है, बट ये 60 रुपये का मुझे मिला था, कम पैसे में ही मिल जाता है। और इस तरीके का वैक्स होता है, आपको तो पता होगा जो वैक्सिंग करते होंगे, तो इसमें डाल के आप हीट कर सकते हैं इसे। और ये देखिए स्ट्रिप्स मिल जाता है ये इस टाइप का, ये ब्राउन कलर का स्ट्रिप ना बहुत अच्छा होता है, ये फटता नहीं है, बाकी वाइट वाला जो आता है ना वो लगता है और फटाक से फट जाता है तो अच्छा नहीं होता है। बाकी इसका रेंज इस पे तो लिखा है 240 रुपये का, बट इतने का नहीं है, ये भी 60-65 रुपये का ही है। तो ये बहुत कम पैसे में मिल जाते हैं और पार्लर में आप जाओगे तो एक मतलब ये दोनों हैंड का 200 लेते हैं या फिर 150 लेते हैं। तो इसमें देखिए ये हो गया 200, मतलब 250 का ये हो गया, 250 का नहीं, हाँ समझ लो ये मान लीजिए 300 का हो गया। फिर इसके बाद ये मतलब 500 रुपये में आपको ना आराम से मतलब वैक्स और वैक्स हीटर और ये स्ट्रिप्स मिल जाएंगे और इसमें आप 10-15 लोगों का वैक्स कर सकते हैं, 10-15 लोग से भी ज़्यादा इस स्ट्रिप्स में कर सकते हैं और इसमें भी कम से कम 5-6 लोगों का तो हो ही जाएगा। तो आराम से इसमें आ जाता है, आप इजीली मिल जाएगा और ले लीजिएगा अगर आप लोगों को चाहिए तो।
तो आप ले सकते हैं अगर आप बोलोगे तो। अमेज़ॉन पे अवेलेबल है ये, मैं इसका लिंक भी दे दूंगी। अगर चाहिए आप लोगों ना तो मुझसे मतलब कमेंट में लिखना, तब मैं लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो आप इजीली ले सकते हो, मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ है और घर पे करने के लिए बेस्ट है। और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। और बात रही कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बताऊं अपने तरीके से किस तरीके से चाकू और ये चम्मच से मतलब स्पून से वैक्स कर पाएंगे, किस तरीके से कर सकते हैं। बटर नाइफ नहीं मिलता है, बहुत लोगों को नहीं मिलता है, जिस तरह जो वैक्स करते हैं ना जिस नाइफ से, वो नहीं मिलता है हर जगह। तो अगर चाहते हैं कि मैं बताऊं तो आप लोग कमेंट करना उसके लिए स्पेशली, ठीक है, तभी बताऊंगी वरना नहीं बताऊंगी। तो बात रही वैक्स हीटर की, तो बहुत सस्ता मिल जाता है और इससे और ज़्यादा हाई क्वालिटी में लेना है, बहुत अच्छा क्वालिटी में लेना है तो 1000 तक बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा आपको। 5000 का भी मिल जाता है, बट मुझे सस्ते में ही लिया मैंने, क्योंकि मुझे उतना काम नहीं था ना, उतना मैं भी नहीं करती हूँ और हमारे घर में भी कोई नहीं है करने वाला, तो ज़्यादा मेरे को काम नहीं लगेगा, बस ऐसे ही काम चलाने के लिए ले लिया। और मुझे जाना है घर पे शादी में, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, वहाँ पे हो सकता है कोई करेगा तो उनका भी कर देंगे, हम वैक्सिंग कर देंगे। अभी तो मैं हैंड का भी नहीं करती, मेरे हैंड में तो हेयर्स निकले हैं बहुत सारे, बट पता नहीं मुझे वैक्स करना उतना अच्छा नहीं लगता, अपने हैंड में हेयर बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। तो गाइस यही था वीडियो हमारा, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करके जाना, क्योंकि अगर एक लाइक करोगे ना आप तो बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्लीज़ यार शेयर भी कर दिया करो, इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो।